हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग्स विद आरके। एंड कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। सो आज है 26 जनवरी एंड वही मॉर्निंग स्टार्ट हुई हमारी। एंड सबसे पहले मैं बता दूं कि आज मेरी छुट्टी थी, इसलिए दिन चल रहा है मजे से। और यहाँ पे देखिए जो है परेड वगैरह ये सब चीज़ें हम लोग सुबह से बैठ के देख रहे थे, नाश्ता किया और ये सब किया। और आज हमने सोचा कि चेरी को हम टाइम से उठाते हैं। सो जैसे कि हम लोग उठे, काम शुरू किया, सो ये थोड़ा सा आवाज़ वगैरह से उठ गई थी अच्छे टाइम पे। इसने अपना थोड़ा बहुत खाया पिया और फिर बस, क्योंकि नींद पूरी नहीं हुई थी सो इरिटेट हो रही थी, रो रही थी। सो हम समझ गए कि भाई हमारी चेरी की नींद पूरी नहीं हुई है। सो फिर मैंने इसको सुला दिया है, ये देखिए है ना। और अब ये सो चुकी है, सो अब ये बहुत अच्छे से अपनी बढ़िया वाली नैप लेके उठेगी आराम से और एकदम मूड भी इसका ठीक होगा। सो ठीक है, हमने सोचा तब तक हम कर लेते हैं कुछ काम। और आज ये जो है गए हैं, थोड़ा सा भी बाहर गए हैं। और पिछले व्लॉग में मैंने दिखाया था, पता नहीं मुझे याद नहीं है, शायद मैंने नहीं दिखाया था, बट हाँ उस दिन बने थे मोमोज और जिसका मैंने एक अलग से सेपरेट वीडियो डाला था। और आज फिर से मोमोज बनने वाले हैं। और जो है हमारे ऊपर जो भैया रहते हैं उनके घर में पता नहीं पार्टी है, क्यों पार्टी है क्या है वो रीज़न नहीं पता है, आई थिंक वैसे ही गेट टुगेदर रख रहे होंगे। सो हमें भी इनवाइट किया है, सो हमने सोचा कि हम जो है अपनी तरफ से मोमो बना के लेके चलते हैं। सो चटनी ऑलरेडी फ्रिज में बना के रखी हुई है। और होता क्या है कि वो चटनी की एक खासियत है कि आप उसको फ्रेश खाओगे ना तो वो इतनी टेस्टी नहीं लगेगी। अगर आप उसको रख के थोड़ा मतलब एक दो दिन पुरानी चटनी खाओगे ना तो उसके फ्लेवर्स जो है एकदम इन्हेंस हो जाते हैं, तो एक बढ़िया वाला टेस्ट आता है। सो चटनी ऑलरेडी उस दिन की रखी हुई है और वो अभी तक बहुत अच्छी हो चुकी होगी। सो इसलिए ये मैदा लेने गए हैं और भी थोड़ी बहुत सब्जियाँ लेने गए हैं। मैदा तो वैसे है बट एक्स्ट्रा में एक पैकेट और ले आएंगे। सो जैसे ही ये आएंगे फिर हम लोग मोमो वगैरह बनाएंगे। तब तक जो है मैं थोड़े बहुत घर के काम निपटा लेती हूँ। एंड अभी नहाया भी नहीं है, सो वो सारी चीज़ें मैं फटाफट से कर लेती हूँ, ठीक है। उसके बाद मिलूँगी जब हम मोमोज बनाने स्टार्ट करेंगे, सो मैं आपको तब दिखाऊँगी। एंड आज भी मैं आप लोगों से क्विक सी रेसिपी शेयर कर दूँगी, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को, जिन्होंने भी मतलब कुछ नए लोगों को मैंने मोमोज़ खिलाए हैं सो उन्हें बहुत पसंद आए। सो वो पूछ भी रहे थे कि यार दीदी प्लीज़ बताओ ये मोमोज़ आप कैसे बनाते हो। सो मैंने उनको लास्ट वाला वीडियो का लिंक शेयर कर दिया था, बट आज भी मैं एक हल्का सा क्विक सा जो है अपनी रेसिपी शेयर कर दूँगी। सो चलिए फिर थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय। सो क्लीनिंग वगैरह सब कुछ हो चुका है, मैंने प्रॉपर से मैट वैट उठा के प्रॉपर क्लीनिंग कर दी है, क्योंकि छुट्टी वाले दिन इस तरीके से ही करती हूँ। वैसे नॉर्मली ऊपर से मतलब लगा देती हूँ झाड़ू वगैरह, बट जैसे कि 2-3 दिन बाद जब भी ऑफ होता है सो प्रॉपर से क्लीनिंग करती हूँ। और उसके बाद जो है मैंने शावर ले लिया है, कपड़े भी वॉश हो चुके हैं, ड्राई हो गए हैं। सो इनको डालने के बाद अब हम लग जाते हैं मोमोज़ बनाने में, क्योंकि मोमोज़ में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, छोटे छोटे बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जो प्रॉपर से करने पड़ते हैं, अदरवाइज़ फिर मोमो ठीक नहीं बनते हैं। सो यहाँ पे हस्बैंड भी आ चुके हैं जो है ये सामान लेने जो गए थे, मैंने बोला था। सो काफ़ी कुछ चीज़ें थी घर की ज़रूरत की, वो सारी लेके ये आ गए हैं। सो सबसे पहले कर लेते हैं मोमोज़ को बनाने की प्रिपरेशन, जिसमें कि हमें सबसे पहले डो रेडी करना होता है। जो मैदा है, पहले का जो पैकेट था 250 ग्राम के अराउंड था, वो मैंने ले लिया है और आधा किलो का पैकेट ये लाए हैं। सो इसमें से भी हाफ ले लूँगी। सो अराउंड आधा किलो के अराउंड में मैदा जो है गूंद के रख दूंगी। और इसको बहुत ही नॉर्मल तरीके से गूंदा जाता है, जैसे कि आप आटे के डेली जो है घर में आटा लगाते हो उसी तरीके से। बस इसमें हल्का सा जो है मैं नमक डालूँगी, तो बस थोड़ा सा इसमें नमक डालूंगी और इसको फटाफट से नॉर्मल तरीके से, थोड़ा सा पानी जो है मैंने गुनगुना कर लिया था क्योंकि सर्दियां हैं, सो ना ज़्यादा टाइट गूंदना है ना ज़्यादा गीला जैसा गूंदना है, एक नॉर्मल सा गूंद के। और इसको अब हम थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए रख देंगे। यहाँ पे ये जो है लहसुन और अदरक को चॉप करके रखा है, और जितनी देर में मैंने ये सारे काम किए सो ये मार्केट से वापस आके ये भी सब्जियाँ जो है चॉप करने इन्होंने स्टार्ट कर दी थी। और यहाँ पे गाजर, प्याज और अभी बंद गोभी चॉप हो रही है।
थोड़ी सी हो चुकी है। और ये जो चॉपर है ना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है सच में, इससे इतना फाइन चॉप हो जाता है और बिल्कुल एकदम फास्ट, मतलब अगर आप नॉर्मल चॉप करने बैठोगे तो इतना ज़्यादा टाइम लग जाएगा और इतना अच्छे से चॉप भी नहीं हो गए। देखो कितना एकदम महीन वाला चॉप हुआ है और एकदम परफेक्ट मोमोज बनते हैं। सो ये बहुत बढ़िया है, तो हम लोग इसी को यूज़ करते हैं। और यहाँ पे जो है सारी वेजिटेबल्स जो हैं चॉप हो चुकी हैं। सो इसमें जो है मैंने 2 चम्मच नमक मिलाया और यहाँ पे ये जो अदरक लहसुन था उसको भी मैं इसी में मिक्स करके अच्छे से सबको मिक्स करके और थोड़ी देर अब इसको हम रेस्ट करने को रख देंगे 10 से 15 मिनट, जिससे कि जो भी पानी छोड़ेंगी सब्जियाँ तो वो सारा पानी अलग हो जाएगा और जब मोमोज बनाएंगे तो वो फटेंगे नहीं, एकदम ड्राई ड्राई रहेगा आपका जो फिलिंग है। और उसके बाद जो है मैंने आटे को अच्छे से मिक्स करके, मतलब यहाँ पे मैं काउंटर टॉप यूज़ कर रही हूँ क्योंकि बड़ी बड़ी जो रोटी टाइप की बेलनी होती है, सो अगर मैं अपने चकले पे बेलने लगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। सो ये वाला तरीका सबसे बेस्ट है, बड़ी बड़ी बेलूँगी और फटाफट से काटूँगी। सो देखिए मैं इसको किस तरीके से कर रही हूँ। ये देखिए यहाँ मैंने इसको इतना बड़ा बेल लिया है और नॉर्मल थिकनेस बेलनी है, जिस तरीके की आप घर में रोटी बनाते हैं उतनी ही मतलब इसकी थिकनेस होनी चाहिए। और ये एक टिफ़िन है, आप भी घर में अपने साइज़ के अकॉर्डिंग जितना बड़ा आपको मोमो चाहिए एक बर्तन ढूंढिए, कटोरी ग्लास या जो भी, और उससे काट के और बस इधर उधर की जो एक्स्ट्रा है उसको निकाल दीजिए। और ये देखिए एक साथ मेरे पास 7 मोमो के फिलिंग के लिए जो है मैंने इस तरीके से बेल के रेडी कर लिए हैं काफ़ी सारे। और यहाँ पे अब 15 मिनट ऑलमोस्ट हो चुके हैं। सो ये जो फिलिंग थी जिसमें नमक मिक्स किया था, इसको ये अच्छे से हाथों से निचोड़ के दूसरे बर्तन में रख रहे हैं ताकि जितना भी इसके अंदर पानी बन गया है जो सब्जियों ने पानी छोड़ा, सो नमक की हेल्प से अच्छे से निकल जाता है। सो इस तरीके से इसको सबको निचोड़ के दूसरे बर्तन में कर रहे हैं। ये देखिए इतना पानी इसमें निकल चुका है, ठीक है। सो इस तरीके से करना है। एंड मैंने जो है पानी भी रख दिया है उबलने के लिए और यहाँ पे फिलिंग भी रेडी हो गई है। इसमें हमने मिलाया है काली मिर्च और नमक और भी मसाले अपने मर्ज़ी से आप डाल सकते हो, जो भी डालना चाहते हो। और नमक डालते वक्त ध्यान रखिए क्योंकि आपने नमक जो है ऑलरेडी 2 बार डाला है आटा गूंथते वक्त, मतलब मैदा गूंथते वक्त और सब्जियों में। और जो बर्तन है उसमें तेल की कोटिंग कीजिए और बस मोमोज बना के रख दीजिए। और एक लॉट हमारा लग गया और यहाँ पे देखिए मैंने कितने सारे बना बना के रख दिए। सो ये मैं इनको नीचे दे दूँगी, सारे वो दे दिए और ये फटाफट से इसको यहाँ बना रहे हैं। और 3 बज चुका है लेकिन चेरी जो है अभी भी सो रही है, सो जैसे ही उठेगी तो हम लोग इसको रेडी करके और फिर हम ऊपर जाएंगे, तब तक मोमो भी कम्प्लीटली रेडी हो जाएगा। यहाँ देखो चेरी बच्चा उठ के रेडी हो गया है ना, हाँ रेडी हो गया। मेरे मोम को दे आ तो जल्दी से आ जाओ, खिची देनी है। सो बस चेरी के रेडी होते ही हम लोग ऊपर जा रहे हैं अब हरी भैया के घर में। A few moments later. हरी भैया की तरफ से पार्टी है और यहाँ पे आइटम ही आइटम बने हुए हैं। कहाँ गए? एक बनी थी चाट बची है, खा ली हम लोगों ने, थोड़ी सी चाट बची है, बाकी हम लोगों ने तो निपटा दी, पता नहीं किसने बचाई। और मोमोज बनाए हैं, नहीं ये वाले तो हमारे मोमोज हैं जो हम बना के लाए, इसके नीचे होंगे जलेबी, आलू चाट, गोलगप्पे, दही भल्ले एंड क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा है। और बस भैया का मन किया कि बस पार्टी करते हैं, फ्रेंड्स को बुलाते हैं, इन्होंने सबको बुला लिया। और बट काफ़ी सारे फ्रेंड्स जो है ड्यूटीज़ की वजह से नहीं पहुंच पाए हैं गोलगप्पे वाले, क्योंकि यहाँ के हमें पसंद आए नहीं, इसलिए हमने नए भैया, हमने बोला प्रोफेशन चेंज करो। यहाँ चल रही है पुष्पा, मंकू क्या खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं? ओते। हाय। फर्स्ट टाइम बनाया है, देखना एक्सपीरियंस कैसा रहता है, आप लोग सभी बताना। आप लोग बताओ खाने वाले। बहुत टेस्टी बनाए सर। वैसे भी कौन सा सबकी बात है भाई, पता है सबकी बात है। ये ब्लॉग बनेगा मस्त यम्मी। Nothing but that.
makes me feel like I can't breathe. It ain't right, right, right. सही है, मेरी बोल पे ये दही वही डाल के बढ़िया प्रॉपर दे रहे हैं. पानी का मसाला आता था सब काम जीतू भाई आइए. मैं खा लिया भाई बहुत और सच में खा लिया. बुलाओ अरे खाइए आइए बस. हेलो बोलो सारे. हेलो हाय बोलो सारे. अभी पकौड़े और चटनी बाकी है. हे भगवान कौन खाएगा? खाएंगे अभी रखो ये खराब वाला मत देना. खाएंगे कहाँ से, इतना सा तो पेट होता है, भर गया पहले ही. और वाह क्या ये सही से दो. फ्रेंड्स अभी हो रहा है रात के 10:45 और हम लोग ऊपर से जस्ट अभी आए हैं. सो जैसा कि आपने देखा कि खूब सारी मस्ती की हम लोगों ने, काफी अच्छा अच्छा खाना बनाया था, सब कुछ खाया और बहुत ही अच्छा दिन रहा आज का. सो गाइज वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो सो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मेरे चैनल को सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. मिलती हूँ फिर एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल.